हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में राहुल गांधी ने किया ऐलान, सत्ता में आई कांग्रेस तो किसानों का किया जाएगा कर्जा माफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने ऐलान किया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में शुरू की गई योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। वे सोमवार शाम को यहां जोधपुर में उम्मेद राजकीय स्टेडियम में जिले की सभी 10 विधानसभाओं की संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा, पहले मोदी जी भी कहा करते थे 2 करोड़ नौकरियां, किसानों को सही दाम और भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन अब उनके भाषण में न रोजगार, न किसानों को सही दाम, न ही भ्रष्टाचार की बात होती है। राजस्थान के युवाओं ने इस देश को यहां तक पहुंचाया है, लेकिन प्रधानमंत्री आपके माता पिता का अपमान करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनके आने से पहले हिंदुस्तान की जनता ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस तरह देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के सभा स्थल पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्टेडियम में उनका 21 किलो की माला से स्वागत किया गया। कांग्रेस के आलाकमान राहुल गांधी की सभा के दौरान सभा स्थल के आसपास पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा रही। कांग्रेस की तरफ से पूरे उम्मेद स्टेडियम को तिरंगे बैनर्स और पोस्टर्स से सजाया गया था। सभा में तिरंगी फरियां लगाई गई थी। जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा, लूनी, भोपालगढ़, ओसिया, बिलाड़ा, लोहावट, तलौदी और शेरगढ़ से कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मैदान में पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी जालौर में कांग्रेस की सभा के बाद हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंचे। वे फुर्ती से एयरपोर्ट से बाहर निकले व एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पावटा होते हुए उम्मेद स्टेडियम पहुंचे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।